नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रहस्य के पार अमेजिंग सीरीज के लिए जो मैं आगे फ्यूचर में भी लाने वाला हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 18। अब हम पहले सीन में देखते हैं मिस्टिक फॉल्स का, जहां बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। वही रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के हम देखते हैं अलीना को, जो अपनी एक तरह से जर्नल लिखने लग रही है। और तभी उसका एक पेपर उड़कर जाता है और वहां पर हम देखते हैं जैसे वो पकड़ने जाती है, स्टेफन वो पेपर उठाता है और कहता है कि तुम्हारा पेपर है ले लो, और कहता है हाँ मेरे जर्नल का है। और ये कहने के बाद स्टेफन स्माइल करता है और वहीं पर अलीना पूछते हैं कि तुम भी जर्नल लिखते हो क्या, बॉयज तो बहुत कम लिखते हैं। और ये कहने के बाद उसको वापस लुटाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहां से तेजी से साइड से गाड़ी गुजरती है और एक तरह से स्टेफन का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और तभी हम देखते हैं ये सिर्फ एक सपना था। और अलीना उठती है और बहुत ज्यादा घबराई होती है, और वह भी हॉस्टल के अंदर थी। और वहीं पर हम देखते हैं कैरलाइन उससे पूछती है कि तुम सही तो हो, और ये कहने के बाद अलीना बोलती है एक बहुत ही ज्यादा भयानक सपना उसने देखा और वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी इस मोमेंट पर। फिर हम देखते हैं कैरलाइन और अलीना एक तरह से जाने की तैयारियां कर रहे थे, और वहीं पर हम देखते हैं कि शेरिफ का वेट कर रहे हैं जो कैरलाइन की मोम है, और वहां पर वो वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं मोम यहाँ पर आएगी और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहीं पर बैठते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं अलीना को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो स्टेफन के साथ मूवी देख के आई है और मूवी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई है। तभी हम देखते हैं घर छोड़ने के टाइम वो एक दूसरे को कल डिनर के लिए पूछ रहे थे और उसके बाद किस करके जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है मुझे घर जाना पड़ेगा, डैड घर पर हैं और उनको पता नहीं चलना चाहिए। और ये कहने के बाद घर जाने लगती है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करके बाय कहने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं ये सपना टूटता है और अलीना अब देखते हैं कि चेयर पर बैठी हुई थी और रेस्टोरेंट के अंदर आ चुकी थी। और ये कहने के बाद वो पूछते हैं मैं यहाँ कैसे आई हूँ, और ये कहने के बाद बोलती तुम्हें नहीं पता तुम चलते हो यहाँ पर आके बैठ चुकी हो। और तभी ये सुनने को अलीना बोलती है मैंने मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस तरह का कुछ भी मैंने किया था जो। और ये कहने के बाद कैरलाइन बोलती है लगता है तुम्हें फिर से वैसे ही सपने आने लग रहे हैं जो तुम्हें एक तरह से पहले आ रहे थे। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है सपना नहीं था, रियलिटी लग रही थी कि जैसे कोई रियल में हो रहा है। और ये बोलने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। तभी कैरलाइन कोई बात कहना चाहती है बट नहीं बोलती है। बट तभी हम देखते हैं अलीना उसे फिर से पूछती है तुम बता दो तुम छुपा नहीं सकती हो बात कैरलाइन, तुमसे एक तरह से गॉसिप छुपती नहीं है, तुम्हें क्या है बता दो। और ये कहने के बाद अब बताती है कैरलाइन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारे हाल ही में स्टेफन का ड्रीम आना और एक तरह से तुम्हारे डेमन का ब्रेकअप होना मुझे कुछ अजीब ही घटना लगती है। और ये कहने के बाद अलीना इस बात को साफ साफ डिनाई करती है। तभी हम देखते हैं कैरलाइन के पास फोन आता है स्टेफन का और वो थोड़ा घबराया हुआ था और पूछते हैं अगर मैं तुमसे एक बेवकूफाना बात पूछूं जैसे तुम मुझसे पूछते रहती हो तो प्लीज क्या उसका आंसर दोगी। और तभी कैरलाइन बोलती है हाँ तुम पूछ सकते हो कोई भी वियर्ड क्वेश्चन। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते हैं मैं एक तरह से गाड़ी रोक के खड़ा हो गया क्योंकि मुझे एक अजीब सा विजन आ रहा था अलीना के बारे में। और ये कहने के बाद कैरलाइन बोलती है तुम फिर अलग बिहेव नहीं कर रहे और कुछ अजीब नहीं है ये, एक तरह से मैं तुम पे बिलीव करती हूँ तुम्हें हो रहा है रियल में ये। और ये कहने के बाद तीनों लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। फिर हम अगले सीन में बानी को देखते हैं जो एक तरह से फोन मिला रही थी और वॉइस मैसेज भेज रही थी जेरेमी को कि जब भी तुम फ्री हो मुझे कॉल करना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ याद है ना। और ये कहने के बाद बार बार मैसेज करती है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसको एक तरह से एहसास होता है कि ग्राम्स उसकी वहां पर आ चुकी है। तभी हम देखते हैं वो अदर साइड में देखती है वहां पर ग्राम्स खड़ी हुई थी और वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा टेंस दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं उसके पास बानी जाती है और कहती है आप इतनी टेंस क्यों दिख रही हो। और ये कहने के बाद बोलते हैं विचेस में बात फैली हुई है, एक तरह से ट्रैवलर्स ने कोई गड़बड़ की है, तुम पे एक साथ अटैक कर दिया उनने और एक तरह से तुम्हें पता भी नहीं चला और शायद कोई वहां से निकल चुका है अदर साइड से इन ट्रैवलर्स की वजह से निकल चुका है जो उनका प्लान था, और वो कुछ गड़बड़ करने वाला है और जब से वो गया है ये जगह एक तरह से जहन्नुम बन चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि सारी चीजें हिलने लगती है और बहुत तेज तेज थंडरिंग होती है और ये देख के एकदम बानी डरती है और कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है। और ये कहने के बाद बोल रही है हमें भी नहीं पता बट कुछ खतरनाक होने वाला है और जो यहाँ से निकला है वो शायद और तबाही मचाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस थी ग्राम्स इस टाइम पर। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिस को जो अभी थी जेरेमी टायलर और मैट के साथ और उनको एक तरह से ट्रैवलर्स नाइफ पकड़ाती है और कहती है कि जितने भी ट्रैवलर है टाउन में घुस चुके हैं उन्हें लगभग लोगों को एक तरह से अपने कंपल्शन के अंदर भी ले लिया है, उनके अंदर अपने पैसेंजर्स को डाल दिया, बट हमारे पास एक और चांस है तुम दोनों को मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि तुम पैसेंजर हो क्या नहीं। और चाकू देती है मारने के लिए, वहीं पर मैट बोलता है कि हमको चाकू मारना पड़ेगा अपने आप को। और ये कहने को अदलिस बोलती है जरूरी है एक बार चेक करना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मैट पहले तो नाराज होता है और कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, एक तरह से हंटर कभी कंपेल नहीं होगा पैसेंजर से, ये हाइब्रिड है मैं ह्यूमन हूँ। और ये कहने के बाद टायलर बोलता है तेरे पास वो रिंग भी तो है तुझे मौत से वापस लाती है। और ये कहने के बाद तीनों अपने आप को एक एक बार स्टेक करके दिखाते हैं जिससे कि पता चल सके उनके अंदर कोई भी ट्रैवलर नहीं है। वही हम देखते हैं ट्रैवलर घर घर जाकर एक दूसरे के दिमाग के अंदर पैसेंजर्स डालने लग रहे थे ह्यूमंस के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं कि उनकी शिकार बन चुकी थी शेरिफ
जो कैरोलाइन की मॉम है। वहीं अब हम देखते हैं एंजो और डेमन घर पे थे और खेलते हुए बात कर रहे थे, और वहीं पर हम देखते हैं एंजो बोलता है एक तरह से वो अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रही है, तुम्हें छोड़ के जा चुके, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम यहाँ पर गेम खेलते बैठे हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलते तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम अपनी बताओ एंजो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक तरह से तुम्हें छोड़ के भाग चुकी है सालों पहले और शायद वो मिल नहीं रही है, बल्कि वो तुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। और ये टोंट मारने के बाद हम देखते हैं एंजो बोलता है नहीं 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 वो मुझसे मिलना चाहती है, उस इन ट्रैवलर्स ने गड़बड़ कर रखी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों गेम खेल रहे थे और एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एक तरह से अलीना जो रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी फोन करती है और एक तरह से डेमन के पास फोन कर रही थी और डेमन फोन नहीं उठा रहा था। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे कैरोलाइन एंजो को फोन करती है और एंजो बोलता है तू मत उठा, मुझे तो उठाना पड़ेगा, और कहते हैं हाय लव, और ये कहने के बाद उसे बात करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन सीधा बोलती है एक तरह से मुझे डेमन से बात करनी है, अलीना को अजीब विजन आने लग रहे हैं स्टेफन के, और ये कहने के बाद स्पीकर पे फोन रखता है और डेमन भी सुनता है। और तभी कैरोलाइन बताने लगती है कि जब से पहले टॉम मरा है जो डॉपलगैंगर था, उसके बाद एक तरह से मास हैकर का सुसाइड हुआ है, उसके बाद अब अलीना को डेमन के ब्रेकअप के बाद अब सपने आने लगे हैं स्टेफन के और स्टेफन को आने लगे अलीना के, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में क्यों पता करना चाहिए और ये ड्रीम कैसे हैं। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है लगता है सेक्स ड्रीम्स है, और तभी कैरोलाइन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रोमांटिक ड्रीम्स है, और एंजो अपनी टांग मत अड़ा इस मामले में। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलने लगता है तो अब स्टेफन कहां पर है वैसे, और तभी कैरोलाइन बोलती है स्टेफन एक तरह से ट्रैवलर्स के पास गया है पता करने के लिए कि क्या होगा। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है शायद अब पता ना चले क्या होने वाला है। और वहीं पर हम देखते हैं अलीना अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है सब कुछ गड़बड़ हो रखी है, और ये कहने के बाद उनसे मिलने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे विजन्स आने लग रहे थे। अब हम बानी को देखते हैं जो पहुंच चुकी थी टायलर के घर पे जेरमी से मिलने के लिए, और जेरमी जैसे गेट खोलता है वहीं पर बानी बोलती है तुम कहां थे इतने दिनों से, ना बात कर रहे हो ना फोन कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। और तभी जेरमी बोलता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, प्लीज तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और तभी बानी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि अदर साइड पे कुछ गड़बड़ हो रही है और एक तरह ग्राम्स भी बहुत ज्यादा टेंस्ड है, विचेस बहुत टेंस्ड है, और शायद ट्रैवलर्स ने कुछ गड़बड़ किया और किसी को बाहर निकाला है, और तुम एक तरह से डेड पीपल को देख सकते हो तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। और ये कहने को जेरमी बोलता है आई वांट टू हेल्प यू बट मेरे पास अभी काम है और मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी हम देखते हैं अंदर से लिज आती है और कहती है जेरमी कुछ काम है, और वो बानी को देखकर और बानी लिज को देख के एकदम से हैरान थी और कहती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी बानी को समझाने लगता है कि ये मेरी हेल्प कर रही है, और वहीं लिज भी बोलती है मैं एक तरह से हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और एक तरह से सॉरी जो तुमने मुझ पर पहले बिलीव किया था और मैं तुम्हारा बिलीव एक तरह से रख नहीं पाई। और ये कहने के बाद बानी गुस्सा हो जाती है, वहीं पर जेरमी बोलता है प्लीज मेरे पे विश्वास करो, अभी तुम चली जाओ, बाद में आके मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और ये कह के बानी को वहां से भेज देता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो लिस से बोलता है जेरमी कि तुम क्या चाहते हो, मैं सबसे तो झूठ बोल रहा हूँ। वहीं लिस बोलती है प्लीज किसी पे यकीन मत करो, मैंने दो पे करने दिया मैट और टाइलर पे, और किसी पे यकीन नहीं है मुझे, और प्लीज जो लिस्ट है उसको छोटी से छोटी रखो। वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे मैट पहुंच चुका था शेरिफ के कैबिन के अंदर, और वहां पर कुछ ढूंढने लग रहा था और उससे शेरिफ नहीं मिलते है वहां पर, और कुछ आसपास देखने पे लगता है कि शेरिफ यहां पर आई थी बट कुछ गड़बड़ चल रही है। वहीं पर हम देखते हैं मैट फोन करके टाइलर को ये सब बता रहा था, जो भी हम देखते हैं कि लिज और जेरमी के साथ था, और वो बोलता है एक तरह से यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर शेरिफ भी गायब है, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी टायलर बोलता है तुम टेंशन मत ले, बस वहीं पर है ना, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, तब तक कोई गड़बड़ मत करियो। और ये कहने के बाद मैट बोलता है हाँ गड़बड़ कर भी नहीं सकता हूँ, तू ट्रेवलर नाइफ लेकर आ, और तभी फोन काट देता है। वहीं पर हम देखते हैं शेरिफ आती है जो अंडर कंट्रोल थी पैसेंजर्स के, और वो एकदम वो बोलते हैं तुम्हें ट्रेवलर नाइफ के बारे में कुछ पता है ना मैट, और ये कहने के बाद मैट बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम क्या बात कर रही हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो अपनी गन रखती है शेरिफ, और एकदम चाकू लेकर सीधा गला काट देती है मैट का और उसे वहीं पर मार डालती है। और तभी हम देखते हैं ये होने के बाद हमें पता चलता है कि लगभग टाउन के लोग अंडर कंट्रोल थे पैसेंजर्स के। फिर हम देखते हैं बानी को जब घर जा रही थी रास्ते में, और तभी हम देखते हैं उसको मैट खड़ा दिखाई देता है, और मैट को बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये कहने के बाद मैट बोलते मैं मर चुका हूँ। और ये कहने के बाद उसके पास आता है और कहता है प्लीज मेरा एक मैसेज जेरमी तक पहुंचा देना कि शेरिफ भी वही है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है क्या है वो, बोलते तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है अभी, तुम समझा करो, बस ये बोल देना कि शेरिफ भी वही है। और ये कहने के बाद एक तरह से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है और कहता है सॉरी इस दर्द के लिए, और एब्जॉर्ब करके अदर साइड पे चला जाता है। और जैसे ही वो अदर साइड पे जाता है, जैसे वो उठता है, उसको एक बंदा दिखता है और कहता है तुम मुझे देख सकते हो, बोलता है हाँ। और तभी मैट पूछता है कि तुम एक विच हो, बोलता है नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं चारों तरफ देखने लगता है, और तभी हम वहां पर देखते हैं कॉल आ जाता है, और शायद मैं तुम्हें याद भी रहूं। और ये कहने के बाद मैट बोलता है हाँ मुझे पता है तुम कॉल हो ना, और तभी कॉल बोलता है हाँ जेरमी ने जिसे मारा था मैं वही हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और तुम्हें देख कैसे पा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद कॉल बोलता है तो लकी बात है कि तुम देख पा रहे हो, वरना हमेशा इग्नोर पाते हो यहाँ पर। और ये कहने के बाद अब मैट के मन में ख्याल आता है अगर मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ तो जरूर मैं मेरी बहन विकी को भी देख पाऊंगा,
और ये कहने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब पहुंच चुके थे सेल्वेटोर हाउस के अंदर कैरोलाइन और अलीना, और जैसे ही वो पूछते हैं हम देखते हैं कि वो अपना कोट उतार के एंजो की तरफ भागती है जिस तरह के सर्वेंट हो, और तभी वो दोनों बात करने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं अलीना और डेमन एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं, उसी मोमेंट पे दूसरे रूम में जाके बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि हम फ्रेंड्स हो सकते हैं, इस पूरी चीज को संभाल सकते हैं, वो पूरा एक तरह से मैच्योर पर्सन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। वही हम देखते हैं ये दोनों बातें दूर बैठे वो दोनों वैम्पायर एंजो और कैरोलाइन भी सुन पा रहे थे, और वो बोल रहे थे इनका कुछ नहीं होने वाला और शायद डंकिन की बात ही नहीं बनने वाली है। उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि एंजो बताने लगता है शायद कुछ होप हो जाए, होप पे तो दुनिया कायम है, मैं भी तो कायम हूँ। ये कहने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है हाँ मैगी की याद आ रही है ना तुम्हें, और तभी एंजो बोलता है हाँ एक तरह से 70 साल में वहां रहा, उसमें से कुछ टाइम मैगी मेरे पास रही, मैगी एक लास्ट होप बन के रही कि मैं आज तक जिंदा हूँ, ऊपर से मैं उससे एक बार मिलना चाहता था बट इन ट्रैवल ने वो भी नसीब नहीं होने दिया, एक बार मैं उससे मिलूं, उसको एक बार थैंक यू कहूं, चाहे वो मुझे डेट ना करे नॉट इश्यू बट मैं उसको एक बार थैंक यू जरूर कहना चाहूंगा। और वहीं पर हम देखते हैं अलीना बीबी कह रही थी कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन का बहुत ज्यादा मूड ऑफ है और कहते हैं जो प्रोफेसी है वो एक तरह से पूरी होने ही वाली है कि स्टेफन और तुम एक साथ हो जाओगे और मैं अकेला छूटने वाला हूं, और ये होने ही वाला है, और ये कहने को वहां से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो सारे लिविंग रूम में आते हैं और वहां पर गेट की घंटी बजती है और अलीना ने एक तरह से लिस को बुलाया था वहां पर, और तभी हम देखते हैं गेट खोलने के लिए जाता है डेमन, देखता है वहां पर ल्यूक था, उसको गेट बंद करता है और कहता है सॉरी फालतू लोग यहाँ पर अलाउड नहीं है। तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना आती है और तभी ल्यूक वापस गेट खुलवाता है और कहता है कि यहाँ मैं इंपॉर्टेंट हेल्प करने के लिए आया हूँ, अलीना को उसने बुलाया था, और ये कहने के बाद बोलती है मैंने एक तरह से लिस को बुलाया था, तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो, बोलता है कि हेल्प करने के लिए मैं आ गया, लिस थोड़ी बिजी है, और ये कहने के बाद अंदर आ जाता है। अब अंदर आने के बाद ल्यूक बताने लगता है कि पूरी सिचुएशन क्या है, एक तरह से ट्रैवलर ने एक बहुत बड़ा मैजिक किया है और एक तरह से मास सुसाइड करके एक तरह से दूसरी साइड से शायद मार्कोस को बुला लिया है, और एक तरह से मार्कोस सालों से एक तरह से मरा हुआ था बट एक तरह से उनकी कोई प्रोफेसी थी उसको प्रूव करने के लिए उसे यहाँ पर बुला लिया गया है, और एक तरह से उसी की वजह से अलीना और स्टेफन के बीच में अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, उनको विजन्स आ रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ शायद उनको हमारा ब्लड चाहिए इसलिए वो ऐसा करने लग रहे हैं, और तभी बोलता है नहीं ब्लड से कुछ ज्यादा चाहिए, तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, और तभी अलीना बोलती है हाँ हम दोनों सिर्फ अपने आप से नहीं बल्कि उनसे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम उन तक अपने आप को लेकर जाएं, और ये कहने पर डेमन बोलता है बस इसी चीज की कमी थी जो अब ये भी पूरी हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे एक तरह से हमें तुम्हारी हेल्प भी चाहिए तुम्हें हमारी भी चाहिए और मिलके एक तरह से ट्रैवलर्स को रोकना होगा, और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर एंजो बोलता है चलो तो प्लान बन चुका है, उनने मैप बना दिया है हमारे ड्रीम्स के कहां जाने का, हम वहां पर जाके रहेंगे, और एक तरह से ब्लोंडी हेल्प करो अलीना को वापस ड्रीम लाने के लिए जिससे कि उनमें से कोई क्लू खोज के ला सके हमारे लिए, और ये कहने के बाद उसको एक तरह से इंसिस्ट करते हैं। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं शेरिफ बाहर आ चुकी थी कांड करके एक तरह से मैट को मारने के बाद, और तभी हम देखते हैं जैसे गाड़ी में बैठनी जाती है तब तक एक तरह से टायलर को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, और वो सीधा हो जाता है शेरिफ के पास, बोलता है हाय शेरिफ, और शेरिफ बोलती है हाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम ड्रिंक करते हो तो बार में जाकर ड्रिंक करो, यहाँ पर इस तरह मत घूमो, और ये कहने के बाद उसे लगता है कि नॉर्मल बात कर रही है शेरिफ, और ये कहने के बाद बोलता है अच्छा मैं चलता हूँ ओके बाय, और बोलती है हाँ बाय। हाँ जाते समय फिर टायलर बोलता है मेरी मॉम ने आपको हाय कहा था, और ये कहने के बाद अब शेरिफ बोलती है हाँ मेरी तरफ से भी उन्हें हाय बोलना, और ये कहने के बाद टायलर समझ चुका था कि ये एक पैसेंजर है, और सीधा वो ट्रैवलर्स नाइफ लेके उसको मारता है और बोलता है लिस आप सही हो जाओगी करके उसको बैठा देता है, और एक तरह से शेरिफ अब बेहोश हो चुकी थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि अब टायलर को पता चल चुका था इसके अंदर पैसेंजर है क्योंकि टायलर की मॉम तो बहुत पहले ही मर चुकी है सीजन 4 में। तभी हम देखते हैं कि टायलर के पास एक बंदा आता है, टायलर एकदम हैरान, सीन कट। अब हम देखते हैं अलीना को जो सीधा जा चुकी थी डेमन के पास जो घर के बाहर बैठा था और बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था, तभी हम देखते हैं उसके पास जाके बैठते हैं और कहते हैं ये सुपर नेचुरल चीजों पे यकीन मत करो कि एक तरह से मैं और स्टेफन नहीं कुछ जाएंगे, सिर्फ एक तरह से थॉट्स हैं और मैं नहीं बदलने वाली हूँ। और तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पर अलीना को फिर से एक विजन आता है जिस विजन में ऑफिस से आती है, और वहीं पर हम देखते हैं जैसे वो बैग रखती है वहां पर हम देखते हैं स्टेफन उसके लिए कुक कर रहा था और कहते हैं तुम कुकिंग कर रहे हो ट्राई कर रहे हो तो अच्छा है, और तभी वाइन की बोतल खोलने के लिए जाती है और वाइन ओपनर देखने के लिए एक तरह से ड्रॉर्स खोलने लगती है, और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलते हैं ये वाला ड्रॉर नहीं, और तभी जैसे वो ड्रॉर खोलती है वहां पर एक एंगेजमेंट रिंग रखी हुई थी बॉक्स के अंदर, और ये देख के बोलती है यस यस यस, और तभी स्टेफन बोलता है कि तुमने एक तरह से खोली भी नहीं है, बोलती है हाँ बिना खोले यस, उसको किस करती है उसके पास आती है और टेबल पे बैठ के किस करने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं उसके हाथ से एक फाइल गिरती है जहां पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, और तभी हम देखते हैं एकदम अलीना होश में आती है और तभी पूछती है क्या मुझे फिर से सपना आया था, और तभी डेमन बोलता है हाँ फिर से तुम सपने के अंदर गई थी, और ये सुनने के बाद डेमन निराश था और अलीना को गुस्सा आता है और कहती है हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा,
वहां पर मैंने एड्रेस पढ़ लिया था स्टेफन का, और स्टेफन वाले एड्रेस पे वो मिलेगा जिससे हम सब विजन देख पा रहे हैं उसकी वजह से। और ये कहने के बाद वहां से उठ के चली जाती है गुस्से के अंदर, और एड्रेस बताकर डेमन और एंजो को वहां से निकल जाती है। फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं कि मैट अभी भी अदर साइड पे था, वो अपनी बहन को चिल्ला चिल्ला के विक्की विक्की चिल्ला रहे, वो सुबह शाम तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और एट लास्ट वो उससे मिल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं उसकी बहन बोल रही है मुझे अच्छा लगा तुझे देखकर, पर तुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ पर गड़बड़ हो रखी है। और ये कहने के बाद बोलता है क्या मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा इस तरह, और तब विक्की बोलती है प्लीज तुम चले जाओ, मैं वैसे भी खत्म हो चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, तुम्हें अपनी बॉडी में वापस जाना होगा, और ये साइड अब सेफ नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर एक तरह से तूफान आने लगता है, जगह पूरी हिलने लगती है, और ये देख के मैट बोलता है नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, और उसका हाथ पकड़ के जंगलों में भागने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गिर जाते हैं जमीन पे, और विक्की आसमान की तरफ खींचने लगती है, और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे मैट अपनी बहन को बचाने के लिए अपने हाथ पकड़ के खींचता है, बट वो उसको नहीं खींच पाता, और विक्की हवा में गायब हो जाती है। हम देखते हैं मैट चिल्ला चिल्ला के बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हम देखते हैं कि डेमन और एंजो चलते हुए पहुंच चुके थे उसे एड्रेस पे, और जैसे वो घर के अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि घर का कोई ओनर नहीं है, और दोनों अंदर घर के चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं एंजो बोलता है ओहो यही जगह है जहां से वो ड्रीम आ रहे हैं, और एक तरह से स्टेफन को अलीना के साथ ज्यादा इंटीमेट करा रहे हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अगली बार तूने ऐसे बकवास करी ना तो याद रखना तेरी जीप पे स्टेपल लगा दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्कोस जो एक तरह से ट्रैवलर्स का लीडर था वो अंदर बैठा था, और कह रहा था प्लीज मेरे घर में ये सब मत करना, और ये कह के दोनों हैरान थे कि ये बंदा है कौन। तभी डेमन बोलता है वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, और क्या तुम्हें लगा था यहाँ पर अलीना और स्टेफन आएंगे। और ये कहने के बाद बोलता है वैसे तुम हो कौन, वो बोलता है मेरा नाम डेमन है और मैं एक तरह से भाई हूँ स्टेफन का। और ये कहने के बाद बोलता है कि जो तुमने किया वो गलत है, पहली बात तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो और कब आए हो, और तीसरा क्वेश्चन और ये डॉपलगैंगर का लव वाली स्टोरी तुमने क्या चला रखी है। और ये कहने के बाद मार्कोस बोलता है पहले दो क्वेश्चन तो आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट तीसरे का कर सकता हूँ, मैंने किया है 1500 साल पहले एक तरह से स्पेल, मुझे चाहिए थे डॉपलगैंगर्स, तो इसलिए मैंने ऐसा स्पेल किया कि वो दोनों एक साथ रहे तो इजीली मैं उनके ब्लड तक पहुंच सकूं। और ये कहने के बाद बोलता है चलो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बाहर चल के सुनाता हूं, और लंबी स्टोरी। और ये कहने के बाद चलने लगता है, और तभी एंजो से बोलता है नहीं नहीं तुम नहीं चलो हमारे साथ, मैं सिर्फ डेमन से बात करूंगा और तुम यहां पर रुकोगे। और तभी एंजो बोलता है नहीं मैं नहीं रुकने वाला, और तभी एंजो से बोलता है तुम्हें वापस मैगी चाहिए ना तो तुम जरूर रुकोगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एंजो पीछे रुक जाता है, और वो उसके साथ सिटी में वॉक करने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं वो डेमन के साथ बाहर वॉक पे निकल जाता है, वहीं पे डेमन बोलता है क्या तुम मुझे नींद से जगाने के लिए यहाँ पर आए हो जिससे मैं सोऊंगा नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अपनी स्टोरी बताने लगता है, और कहता है कि 1500 साल पहले उसने पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि एक तरह से 2000 साल पहले कैथिया ने स्पेल करके एक तरह से इमोर्टैलिटी पा ली थी, तो उस वजह से सारी विचेस ने एक तरह से ट्रैवलर पे अटैक सा कर दिया था, उन्हें एक तरह से स्कैटर कर दिया था अलग अलग जगह पे, और जहां पर हम रुकते थे वहां पर एक तरह से बाढ़ आना तबाही आना और एक तरह से जगह खराब हो जाती थी जिसके लिए हमें हमेशा मूव करना पड़ता था, और विचेस ने हम पे ऐसा कर दिया कि हम एक तरह से अपनी रियल पावर को समझ ही नहीं पाए। और ये कहने के बाद वो बोलते हैं एक तरह से मैंने डॉपलगैंगर वाला भी इसलिए लगाया कि मुझे मिलते रहें। और ये कहने के बाद डेन बोलता है हाँ मुझे पता है, फिर तुम्हारी और विचेस की लड़ाई छिट गई, यौन करता है और कहता है बहुत बोरिंग है क्योंकि ये सारी चीजें मैं सुन चुका हूँ और मुझे कुछ और बताओ। तभी मार्कोस बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, हम एक तरह से एक जगह पे रहना चाहते हैं जैसे तुम टाउन में रहते हो। और ये कहने के बाद अच्छा डेमन समझ जाता है और कहता है अच्छा ऐसा कर रहे हो तुम कि एक तरह से डॉपलगैंगर के ब्लड को यूज करके कोई एक तरह का स्टेबल करोगे जिससे वहां पर तबाही ना मचे। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ, और इसके लिए मैं तुम्हें प्रूफ भी करूंगा डेमन, और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है कि चलो मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ, और अलीना और स्टेफन का जो हलूसिनेशन चल रहा है उन दोनों को एक दूसरे के बारे में वो खत्म करता हूँ। तभी हम देखते हैं लोगों की तरफ इशारा करता है जो रैंडमली काम कर रहे थे वहां पर, और सब अपना काम छोड़कर एक तरह से स्पेल करना शुरू कर देते हैं। और ये देख के डेमन बोलता है कितने लोग अंडर तेरे इन्फ्लुएंस के हैं, और तब बोलता है मैंने कुछ लोगों को कर दिया, जितने लोग मरे हैं उतने सारे एक तरह से बॉडी ट्रांसफर करके पैसेंजर बन चुके हैं और अपना स्पेल स्टार्ट करते हैं। फिर वही हम देखते हैं अलीना को हलूसिनेशन आने लग रहा था वहीं पर, और वो एक तरह से स्टेफन के साथ शादी हो चुकी थी, उनके दो बच्चे थे, और एक तरह से फैमिली गैदरिंग की बात कर रहे थे जहां पर डेमन भी अपनी गर्लफ्रेंड ला रहा है, वहां पर जेरमी भी अपनी गर्लफ्रेंड ला रहा है, और बच्चों को लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं दोनों को एक दूसरे को किसकाने लगते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं मार्कोस अपना स्पेल पूरा कर चुका था। तभी हम देखते हैं अलीना वहां पर अकेली खड़ी थी और उसका ड्रीम टूटता है, और वो रियल वर्ल्ड में आने के बाद स्टेफन सेल्वेटोर के घर में थी जो सेल्वेटोर हाउस है, और वहीं पर हम देखते हैं पीछे से स्टेफन आता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ बिल्कुल रियल लग रहा था बट अब ये सब खत्म हो चुका है। तभी स्टेफन उसके पास आके बैठ चुका था और वहां पर फायर के पास बैठ के बातें करने लग रहे थे, और अलीना बताती है वो उसको बहुत ज्यादा रियल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कोई फिल्म चल रही है और बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है। और ये बोलने के बाद बोलता है हाँ बिल्कुल परफेक्ट तो थी, और एक तरह से मैं कुकिंग कर रहा था जो मुझे रियल में आती नहीं है। और ये कहने के बाद अलीना हंसती है और कहती है मुझे तो आती थी बट वो एक फैंटेसी वर्ल्ड था, रियल नहीं था, और एक तरह से मैं रियल लाइफ में
और फैंटेसी में अब फर्क पहचान चुकी हूँ। और ये कहने को तो उसके साथ बैठ जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि सब कुछ चेंज हो चुका है, पहले हम खुद से लव में पड़े थे इस प्रोफेसी की वजह से नहीं, और अप्स एंड डाउन आए, ओके तुम एक तरह से मर गई वैम्पायर बन गई नॉट अ इशू, बट हम अभी भी दोस्त हैं एंड आई लव यू। और ये कहने के बाद अलीना बोलते हैं आई लव यू टू और उसके कंधे पे हाथ रख के एक तरह से बोलते हैं कि डेमन और मैं भी कभी ऐसे बात कर पाएंगे दोस्त की तरह। और तभी स्टेफन चुप हो जाता है और कहता है या तो तुम एक इंसान से प्यार कर सकती हो या फिर दोस्ती, दोनों एक साथ होना मुश्किल है। और ये कहने के बाद सीन एंड हो जाता है। वहीं फिर हम अगले सीन में मैट को देखते हैं जो बहुत उदास बैठा हुआ था अदर साइड के अंदर, और वहीं पर उसके पास आता है कॉल, और कॉल आने के बाद बोलता है मुझे पता है मैं इनसेंसिटिव हूँ बट तुम्हारी बहन बहुत पहले ही मर गई थी, डोंट वरी, अब तुम्हें एक काम करना है वापस जाना अपनी दुनिया में अपनी बॉडी के अंदर से, और ये मैसेज सबको पहुंचाना है कि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है और हेल्प की जरूरत है। और ये कहने को तो खड़ा होता है और तभी कॉल बोलता है हाँ जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ज्यादा, बट सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हारे और भी हैं, जिस तरह विकी के साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ भी हो सकता है, और शायद वो जहाँ गई है मैं बिल्कुल भी ना जाना चाहूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मैट बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि उन लोगों के साथ हो क्या रहा है अदर साइड पर। अब हम देखते हैं मैट की बॉडी के बाद जो शेरिफ के ऑफिस में थी वहां पर आ चुके थे बानी और जेरमी। जेरमी एक तरह से चुपचाप बैठा था और वहीं पे बानी उस पर बहुत गुस्सा थी झूठ बोलने के लिए, लिस के साथ रहने के लिए और पूरा ड्रामा क्रिएट करने के लिए, और बोलते हैं कि तुम्हें लिस को इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमने उसने अलीना को मारने की कोशिश की, मुझसे झूठ बोला और ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। और ये कहने वो गुस्सा करती है, बट तभी हम देखते हैं एकदम होश आता है मैट को, और मैट होश में आने के बाद एकदम डरा होता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ याद है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा तो होना नहीं चाहिए, नॉर्मली तुम भूल जाते हो जब होश में आते हो। तो बोलता है अदर साइड में कुछ हो रहा है, विकी एक तरह से गायब हो चुकी है, और क्या हो रहा है वहां पर बानी, और बानी एकदम चुप होती है और बोलती है तुम्हें शायद नहीं पता है, और ये बोलने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर हम अलीना को देखते हैं जो एक तरह से डेमन के रूम में थी, और डेमन वहां पर आता है और कहते है तुम सही तो हो, वो कहती है हाँ बिल्कुल सही हूँ, और जो मैं देख रही थी वो एक तरह से बहुत ही परफेक्ट लाइफ थी, बट रियलिटी में परफेक्ट कोई नहीं होता, जैसे कि मैं और तुम हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है बट खुश थे। और ये कहने के बाद एकदम चुप हो जाती है, और वहीं पर हम देखते हैं कि अब डेमन समझ गया था ये ब्रेकअप करना चाहती है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना बोलते हैं कि हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, और तभी डेमन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अलीना की दोस्ती बहुत भारी पड़ने वाली है, और ये कहकर वहां से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं अलीना बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एक तरह से कैरोलाइन टायलर को फोन कर रही थी और कह रही थी मैंने मेरी मॉम को अपना ब्लड भी पिला दिया है बट अब तक सही नहीं हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तभी हम देखते हैं टायलर बोलते हैं रिलैक्स करो, उसको ब्लड दे दिया वो अपने आप सही हो जाएगी तुम्हारी मॉम, और बिल्कुल रिलैक्स करोगी तो सब सही हो जाएगा। और ये कहकर बोलती है ये सब हो क्या रहा है हमारे टाउन में, ये लोग हमारे से हमारी टाइम छीन रहे हैं, और ये कहने को गुस्सा करने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं टायलर बोलते हैं कोई बात नहीं है तुम रिलैक्स करो, कह के फोन काट देता है। इस टाइम पे हम देखते हैं कि टायलर मार्कोस के साथ था, इसका मतलब जब शेरिफ की जान बचाई थी टायलर ने तो उसके पास कोई और नहीं मार्कोस ही आया था, और मार्कोस का एक तरह से ट्रैवलर उसकी बॉडी के अंदर था। और तभी हम देखते हैं ये बोलने के बाद बोलता है टायलर जो एक तरह से पैसेंजर है कि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी और पावरफुल भी, और तभी मार्कोस बोलता है इस बॉडी की आदत मत लगाओ, एक तरह से तुम्हें ये बॉडी छोड़नी पड़ेगी, और ऊपर से हमारा प्लान इससे बड़ा और ज्यादा पावरफुल है। और ये कहने के बाद बोलता है लास्ट नाइफ लाए और जिसकी वजह से हम मर सकते हैं, बोलता है ये रहा आखिरी नाइफ जिसकी वजह से एक ट्रैवलर को ह्यूमन बॉडी से अलग किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं बोलता है ये था अब रहेगा नहीं, और ये कहने को दाग में डालता है और अपना स्पेल स्टार्ट करता है जिससे कि वो आखिरी वाले नाइफ को भी तबाह कर सकता है, और अब जितने भी ट्रेवलर्स हैं वो ह्यूमन वैम्पायर किसी की बॉडी के अंदर जा सकते हैं। और यहीं पर एपिसोड नंबर 18 खत्म होता है। तो गाइस इस एपिसोड के एंडिंग में बहुत बड़ा धमाका हो चुका है, डेमन और अलीना का हो चुका है ब्रेकअप। वहीं पर हम देखेंगे कैरोलाइन का टायलर के साथ पैचअप तो नहीं हो जाएगा, और क्या पैसेंजर बीच में तो नहीं आएगा, और ये मार्कोस कितना पावरफुल है और उसका प्लान क्या है करने का वो सब जानेंगे अगले एपिसोड में, और लिज और ल्यूक एक तरह से करने के हवाले हैं ये होगा बड़ा एक तरह से खुलासा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।